हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट तरीका। दोस्तों, पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही थी। और न्यूज़ क्या है आगे हम वीडियो में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन के अभी करंट प्राइस की बात करें तो अभी इसका करंट प्राइस है 0.00049। अगर आप वजीर एक्स या बाइनेंस पर देखोगे तो आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो अभी 33 पर रैंक कर रही है। दोस्तों, कल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मार्केट कैप 42 या 44 हो चुका है और आप 33 बता रहे हो। तो दोस्तों, मैं जब वीडियो बनाता हूँ ये तब का आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मार्केट कैप कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी इसकी जो मार्केट कैप चल रही है वो 33 नंबर पर रैंक कर रही है। दोस्तों, अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग 6% इसका मार्केट डाउन गया है। अगर आप इसके यहाँ पर चार्ट अभी देखोगे तो वही सीनेरियो बना है, डाउन 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 लगातार ये थोड़ा सा डाउन जाता जा रहा है। दोस्तों, अब कभी भी ये स्टेबल हो सकता है और कभी भी कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी तो फिर यहाँ पर पंप देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अभी ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अगर सभी यहाँ पर कॉइन की बात करें, अगर आप यहाँ पर दूसरे कॉइन को भी देखोगे तो मार्केट अभी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा बिटकॉइन स्टेबल हुआ है। आप बिटकॉइन में देखोगे तो 0.8% की ग्रोथ देखने को मिली पिछले 24 घंटों में। बाकी इथेरियम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इथेरियम भी यहाँ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लगभग 4%। दोस्तों, इथेरियम नीचे जा रहा है उसी वजह से जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पर दूसरी जो करेंसी यहाँ पर बेस है, जैसे अभी इथेरियम के ब्लॉकचेन पर शिबा इनू कॉइन है, तो अभी इसलिए भी शिबा इनू कॉइन का प्राइस थोड़ा सा नीचे जा रहा है क्योंकि इथेरियम भी नीचे जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अगर डॉज कॉइन की बात करें तो वो भी लगभग 5% डाउन गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी इथेरियम पर बेस कंपनी, जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बेस क्रिप्टो करेंसी है, वो थोड़ा सा नीचे जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है इथेरियम के लिए, तो उसके बाद यहाँ पर इथेरियम के प्राइस पंप देखने को मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर शिबा इनू कॉइन और दूसरे जो भी इथेरियम पे बेस क्रिप्टो करेंसी है उनके प्राइस में भी हमको थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है। अब इथेरियम के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही है दोस्तों कि रेडिट के जो को फाउंडर है, आप यहाँ पर देख सकते हो, रेडिट को फाउंडर सेस अ लॉट ऑफ हिज होल्डिंग आर इन इथेरियम। उन्होंने यहाँ पर खुलासा किया कि उनकी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है यहाँ पर इथेरियम में, तो जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि रेडिट के को फाउंडर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर इथेरियम में होल्डिंग करके रखी हुई है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर इथेरियम के लिए, और भी कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसके बाद इसका जो प्राइस है वो पंप देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगली न्यूज़ की बात करें कि क्या यहाँ पर अगली पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो आप वॉरेन बफेट को तो जानते होंगे, काफ़ी बड़ा नाम है दोस्तों वॉरेन बफेट। अब यहाँ पर देख सकते हो, वॉरेन बफेट बेक्सायर हाथवे इन्वेस्ट इन बिटकॉइन फ्रेंडली डिजिटल बैंक। दोस्तों, वॉरेन बफेट की जो यहाँ पर कंपनी है हाथवे, वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है बिटकॉइन में। अगर आप यहाँ पर देखोगे, पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो लगभग ये $500 मिलियन दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा है। तो ये एक बिटकॉइन डिजिटल बैंक में इन्वेस्टमेंट करने वाला है लगे यहाँ पर $500 मिलियन का। दोस्तों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर। अगर ये बड़े बड़े दोस्तों, जैसे वॉरेन बफेट काफ़ी बड़ा नाम है, अगर इनकी कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट करेगी तो ज़रूर क्रिप्टो मार्केट में यहाँ पर बड़ा सा पंप देखने को मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज न्यूज़ आई और आज का पंप देखने को मिल जाए, ये इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी प्रोसेस रहती है। जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगी और जब भी इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर पंप देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगली न्यूज़ की बात करें कि क्या अगली न्यूज़ आ रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इल सल्वाडोर। दोस्तों, इल सल्वाडोर ने जैसे ही लीगल किया था, अब यहाँ पर आ रहा है इंडिया में मूव टू क्लासिफाई बिटकॉइन ऑन असेट क्लास। मतलब यहाँ पर बता रहे दोस्तों कि इंडिया में भी यहाँ पर बिटकॉइन को एक असेट मानने का चल रहा है कि असेट बना दिया जाए। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट की यहाँ पर बात करें, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके टॉप सोर्स है, उनके थ्रू यहाँ पर इनके लिए कुछ रिपोर्ट निकल के आई है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पर इंडिया में भी थोड़ा सा रेगुलेट करेंगे और जब भी असेट के रूप में इसको यूज़ किया जाएगा बिटकॉइन को इंडिया में, तो जो SEBI है तो वो यहाँ पर देखेगी, जो इंडिया का रेगुलेटर जो रेगुलेशन करता है, रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो यहाँ पर इसको देखेगी, यहाँ पर संभालेगी इन सोर्स को। दोस्तों, ये बात निकल के कुछ इनको रिपोर्ट बड़ी बड़ी वेबसाइट की रिपोर्ट्स के बाद आ रही है। आप ये वेबसाइट देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट है, ये देखिए द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। इनके दोस्तों कुछ सोर्स के जरिए बात निकल के आई है, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ दोस्तों। दोस्तों, अगर इंडिया में बिटकॉइन लीगल होता है इल सल्वाडोर की तरह, तो पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में पंप देखने को मिलेगा। दोस्तों, लगातार इंडिया की ओर से पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो जो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है अभी इंडिया में, जैसे बाइनेंस ही चल रहा है और वजीर एक्स तो इंडिया का ही है, लेकिन जो बाहर के दोस्तों बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है,
हम यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज क्रिप्टो एक्सचेंज प्लान टू इंटर इंडियन मार्केट्स। अब दोस्तों हम इंडियन मार्केट में आना चाह रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर इंडिया में फिर से एक न्यूज़ आ रही है कि असेट के रूप में इसको लीगल करने वाले हैं। जैसे अगर कभी लीगल कर दिया दोस्तों, क्योंकि जैसे अभी अल सलवाडोर छोटी सी छोटा सा एक देश है, उन्होंने अगर यहाँ पर इसको ये कर दिया, लीगल कर दिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर पंप देखने को मिला। तो वैसे ही कभी इंडिया करता है तो इंडिया अकेला ही नहीं करेगा दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा देश आएंगे, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको गेम चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर जब इंडिया की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो जितने भी ये बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज है वो भी यहाँ इंडियन मार्केट में इंटर करना चाह रहे हैं। अभी आप अगर देखोगे तो बाइनेंस वगैरह ये एक दो ऐप है, जो एक दो एक्सचेंज है वो अभी इंटर है इंडिया में, लेकिन अब जो दूसरे एक्सचेंज भी है वो भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं इंडिया के मार्केट में आने का। दोस्तों जितने ज़्यादा एक्सचेंज आएंगे उतना ज़्यादा मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगली न्यूज़ की बात करें कि अगली न्यूज़ क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी यहाँ पर जो बाइडन यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके तरफ से थोड़ा सा न्यूज़ है, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ोगे। टॉप व्हाइट हाउस एडवाइजर टीम वू होल्ड्स मिलियन इन बिटकॉइन। मतलब जो दोस्तों व्हाइट हाउस के एडवाइज़र है टीम हु, उनके तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होल्ड मिलियंस में बिटकॉइन में होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर पूरी न्यूज़ पढ़ोगे तो इसमें बताया कि जो जो बाइडन की टीम के एडवाइज़र है, मेन एडवाइज़र है उनका, टेक्नोलॉजी एडवाइज़र यहाँ पर टीम हु, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मिलियंस में बिटकॉइन में होल्डिंग करके रखी है। आप यहाँ पर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा भी है US प्रेसिडेंट जो बाइडन अपॉइंटेड हु। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। अगर आप यहाँ पर गूगल पर सर्च भी करोगे दोस्तों कि जो बाइडन क्रिप्टो न्यूज़, तो जो बाइडन की ओर से काफ़ी न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि यहाँ पर जो बाइडन भी क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। अभी उनकी टीम का एक मेंबर यहाँ पर देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन अभी उनके तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो न्यूज़ सर्च करोगे जो बाइडन, तो आपको यहाँ पर जो बाइडन छाए हुए दिख जाएंगे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में। दोस्तों अगर यहाँ पर जो बाइडन भी क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट करते हैं, तो जो बाइडन आप जानते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, और अभी पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा गलत ट्वीट किया था बिटकॉइन को लेकर कि बिटकॉइन स्कैम है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर मार्केट डंप गया था, डाउन गया था, यहाँ पर मार्केट क्रैश हो गया था। लेकिन अगर जो बाइडन अगर कभी सपोर्ट कर देंगे तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पर पंप देखने को मिलेगा पूरे क्रिप्टो मार्केट में। दोस्तों कभी भी कोई भी अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कभी भी क्रिप्टो मार्केट पंप हो सकता है। जिस प्रकार से मार्केट क्रैश होता है वैसे ही यहाँ पर मार्केट एकदम से पंप भी होता है, जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती है। दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ नाइजीरिया की तरफ से आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे नाइजीरिया सेंट्रल बैंक में लॉन्च डिजिटल करेंसी पायलट इन 2021। दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया की जो सेंट्रल बैंक है वो खुद की एक डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च करने वाली है। दोस्तों काफ़ी अच्छी न्यूज़ है दोस्तों, नाइजीरिया काफ़ी बड़ा देश है, काफ़ी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर भी, तो वो अगर यहाँ पर डिजिटल करेंसी खुद की लाते हैं तो यहाँ पर दूसरे देश भी आगे आएंगे खुद की डिजिटल करेंसी लाने के लिए। इंडिया में भी गवर्नमेंट का प्लान चल रहा था डिजिटल करेंसी का, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। दोस्तों अगली न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर शिबा स्वैप से थोड़ी सी रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। अगर आप यहाँ पर ट्विटर पर जाओगे इरिक साइकस का यहाँ पर ट्विटर अकाउंट, इन्होंने यहाँ पर 9 घंटे पहले यहाँ पर ट्वीट किया है, पेटेंटली अवेटिंग फॉर द सिक्योरिटी असाइनमेंट एंड ऑडिट्स टू बी कम्प्लीट फॉर शिबा स्वैप बाय सर्टिक, आल्सो वर्थ नथिंग इन शिबा इज ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट ऑन सर्टिक। दोस्तों सर्टिक जो कि कंपनी यहाँ पर ऑडिट जो संभालती है, सिक्योरिटी देखती है ऑडिट की, तो अभी वो शिबा स्वैप के ऑडिट पर वर्क कर रही है, तो उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अगर यहाँ पर देखोगे कि अभी भी अब सर्टिक पे आप खुद भी जाकर दोस्तों उनकी सर्टिक की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि ऑडिट पे वर्क चल रहा है या नहीं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नो असाइनमेंट्स हैज बीन डन येट इन प्रोग्रेस अंडर असाइनमेंट बाय एक्सपर्ट्स। अभी यहाँ पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है और ये अभी प्रोग्रेस में है, अभी कोई भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। आप यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट की बात करोगे तो शिबा इनू कॉइन का प्रोजेक्ट है वो भी ट्रेंड पे चल रहा है, आप देख सकते हो मार्केट कैप 3.42 बिलियन की हो चुकी है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी आज पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो दोस्तों जैसे भी और भी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी मैं आपके लिए फटाक से वीडियो बना दूंगा, अपडेट दे दूंगा आपको। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।